ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਪਰ ਟੀਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਫਾਈਨਲ ਮੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਫਿਰ ਆਪ ਕਬ ਕੋ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਮੈਂ ਆਪ ਕਬ ਕੋ ਭੁੱਲ ਜਾ ਆਪ ਕੋ ਮਿਲੇਗਾ ਚਾਹ ਕੇ ਕਬ माफी मांग रहा मुझे घर जाने दो दस मिनटों से बाहर डाला हेलो अस्सलाम वालेकुम व्हाट्स अप माय यूट्यूब फैमिली दिस इज योर बॉय समर बट बैक अगेन विद अनदर रिएक्शन व्लॉग आज का व्लॉग जो सा बड़ा इंटरेस्टिंग बड़ा टिपिकल और खतरनाक होने वाला है जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंडिया सेमीफाइनल में हार के फाइनल से बाहर हो चुका था तो क्या कहते हैं वर्ल्ड कप से भी बाहर हो चुका था तो ये जो सा ना पूरी दुनिया में जो सी ना बात मतलब के घूम रही है अभी तक पूरी वर्ल्ड में पूरे इंडिया में लोगों का बुरा हाल हुआ पड़ा इंडियन क्राउड का टीवी तोड़ रहे हैं बड़ा कुछ कह रहे हैं वो इंडियन तजिया का इंडियन प्लेयर जो के लेजेंड्स है वो बहुत कुछ बोल रहे हैं कि ये क्या हो गया हमारे साथ 10 मिनटों से हमें मारे डाला अभी जो से रिएक्शन आपके दिखाने लगा होगा बहुत बहुत रिएक्शन आने वाले क्या क्या लोगों के रिएक्शन आए हुए हैं देखते हैं अभी 1992 वाला वर्ल्ड कप याद आ रहा है भाई के जी इंग्लैंड वर्सेज पाकिस्तान का फाइनल आ गया था यही अगर इंडिया जीतता था तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पाकिस्तान फाइनल आ जाता तो वो नहीं था याद आना तो अब ये है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड फाइनल 1992 वाला वर्ल्ड कप जो कि 2022 में यादें ताजा हो गई है भाई साहब लव यू हो गया आप सबने मेरी जो पाकिस्तान वर्सेज पाकिस्तान बीट न्यूजीलैंड वाली वीडियो पे जो साहब ने मुझे बहुत प्यार दिया दिल से आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया जो न्यू सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल पर आ गए दिल से लव यू आप सबके लिए प्यार ढेर सारा तो ऐसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें भाई को सपोर्ट करें आप सबकी सपोर्ट चाहिए प्यार चाहिए इसी तरह चैनल मेरे को सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर मस्त करना तो ऐसे ही मैं आप सबके लिए अच्छे अच्छे रिएक्शन व्लॉग्स और अपने डेली व्लॉग्स भी लेकर आऊंगा टेंशन ना लो यार आपका भाई हाजिर है अच्छा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर मस्त करना और चैनल को सब्सक्राइब मस्त करना आपने तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर देखते हैं लोगों के क्या क्या रिएक्शंस आए हुए हैं डिफरेंट न्यूज चैनल की भी रिएक्शन लेंगे हम जिन पर वो तजिएगार अपनी अपनी बातें राय रखते थे तो उनके भी रखेंगे देखेंगे कि वो क्या कहते हैं अब आफ्टर डिफीट इंडिया लॉस इन सेमीफाइनल तो स्टार्ट करते हैं फिर डिफरेंट मीम्स बनाई हुई है लेकर भारत तक करोड़ों फैंस वो शीशे पर टीवी तोड़ देते डैरन सैमी इंजॉय कर रहा है यार नॉट गुड यार नॉट गुड डैरन सैमी करने वाले साबिक भारतीय क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर इरफान पठान को सोशल मीडिया सार्फी ने आईना दिखाते हुए चित्रोल कर डाली इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में दूसरा रिएक्शन देखते हैं जी ये शोएब अख्तर और साहब मुझे लगा कि इंडियन बॉलिंग डे क्लोज हुई साहब कह रहा हूँ कैफ मोहम्मद का मिसिंग है जो आपकी किसी बैटिंग लाइनअप को रन थ्रू कर सके सो आई एम सॉरी टू से दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड एम्बैरेसिंग परफॉर्मेंस भाई आपने कहा कि एम्बैरेसिंग है लेकिन आपके लिए तो एक बार उम्मीद की किरण इस लिहाज से जली कि 1992 के रिपीट की बात की जा रही थी पाकिस्तान के सामने वही ओपनमेंट होगा जो 1992 में था वही मैदान तो हिस्ट्री तो आपको आप इस वक्त ज्यादा करीब दिख रही होगी जी ऐसे ही है लेकिन देखिए आप यूर अप अगेंस्ट वन ऑफ द मोस्ट ओपोनेंट मोस्ट स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स हैं जॉस बटलर मैंने अभी आपके प्रोग्राम में कहा था अगर वो चल पड़ा या उनकी बैटिंग ने भारतीय चैनल पर बैठकर भारतीयों की चित्रोल कर डाली टॉस उन्होंने सोच समझ के जीता था लेकिन चित्रोल पता नहीं किधर की हुई है और पाकिस्तान को ये मैच देखते हुए बड़ी केयरफुल स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी आप
आगे करते हैं वीडियो को। शोएब अख्तर वाली जो उससे था ना, वो उसमें था कोई खास मजा नहीं था, कोई नहीं मिलने वाली अगर भारत पहुंच गई तो। ट्रॉफी आप क्या घर से लेके आए? गाइस ये देखे पहले इनके गुरूर देखे जरा, आज का मैच निकाल ले बाकी इतवार को हम देख लेंगे। ये मैच से पहले की इनकी ये हालत है। ये मोहम्मद कैफ जो है ये इंडिया का प्लेयर है। फाइनल में मुलाकात हुई फिर आप कब को भूल जाओ? मैं आप कब को भूल जाओ? आपको मिलेगा चाय का कप, मिलेगा असल में गजब बेइज्जती है। ये देखे ये अब आफ्टर लूज द मैच, जब सेमीफाइनल इंडिया हार गया था, अब देखे इनके हाल। ठीक है अभी बहुत यंग है, कम से कम बेटर है वो। उसने दिखाया है कि जैसे साउथ अफ्रीका वाली पारी 28 में 27 नहीं खेले, हाँ कम से कम वैसा नहीं खेला। इनफैक्ट स्काई भी इस वर्ल्ड कप की तीन फाइंडिंग है, तीन बड़े मैच के बड़े प्लेयर मैं मानूंगा। कुछ लोग हमें एक चीज कह रहे हैं कि नेशन की डिसरिस्पेक्ट, हम नेशन की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे भाई। की कर रहे हैं यार, नेशन कहाँ से आ रहे हैं? रोहित शर्मा कर रहे हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप हराया, उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। रोहित शर्मा की डिसरिस्पेक्ट, केएल राहुल की डिसरिस्पेक्ट। आपने देखा कि भारतीय मीडिया कैसे खुश हो रहा था मैच से पहले, और ये तैयारी करके बैठा हुआ था कि फाइनल जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ही होगा। हाँ जी, शोएब अख्तर ने उनकी सही क्लास ली, उनको भाई गरुड़ का सर नीचा। आपने देखा मैच में, और बाद में जो मैच के बाद 1992 वाली यादें ताजा होने लगी है। दो दिनों में, दो तीन दिनों में लग पते जाने हैं इंडिया को भी, और दोष दिया जा रहा है। माफी मांग रहा हूँ मुझे गाड़ी जाने दो। उसको भी तो इंडियन मीडिया पूरी तरह से 10 विकेटों से मार डाला। चलो शाबाश का छुट्टी करो। गाइस ये वाला रिएक्शन दे ना काफी मजेदार, इसमें बोला हुआ है कहता घसीट के मारा उन्होंने, बस जूता नहीं मारा। तो गाइस आप लोगों ने सुना ही होगा कि ये इंडियन पीपल्स कह रहे हैं कि जी हमारे पास टिकटें हैं, तीन मेरे पास है, दो फलाने के। तो पाकिस्तानी लोगों को कह रहे हैं कि जी आप लोग फाइनल में पहुंच गए, हमारे से टिकटें ले लें। इंडिया वालों पंगा ही लेना, गरूर नहीं करना कभी। नेक्स्ट टाइम अच्छे से सीख के आना ये चीज, और अपने पे इम्प्लाई करके आना। अच्छा कुछ भी नहीं बोला जा रहा है इनसे। इंडियन फैंस कहती है बस चुप ही रहो, बस घर जाकर टीवी तोड़ेंगे, बस हाथ कुछ बोलने लायक नहीं छोड़ा इन्होंने। ऐसा लग रहा था कि सेमीफाइनल में हमारी टीम है, इससे पहले तो अच्छा प्रदर्शन हो रहा था, अचानक इस मैच में ये जो प्रदर्शन हुआ, आपको लगता है कहीं ना कहीं सेमीफाइनल का मतलब वो फील ही नहीं आ रहा था कि सेमीफाइनल वही ना, वो फील ही नहीं आया। इट्स अ वन साइड गेम, इंग्लैंड ने ऐसे ही इनको हराया जैसे कि ये बच्चों को खेल रहे हैं। वन साइड गेम हुआ, 10 विकेटों से मार डाला। दूसरी तरफ एक ऐसी टीम है पाकिस्तान की, वो फाइनल में चली गई है, क्या कहेंगे अब इंग्लैंड का उनके साथ मैच होने वाला है? हाँ, और दोनों ही हार गए, दोनों तो नहीं हार सकते, दोनों ही हार दे बस ना, लाची का बाद में दोनों ही हार दे बस। टीवी तोड़ा गया। तो जी ये थे जी इंडियन वालों के रिएक्शन, बोलने लायक छोड़े ही नहीं भाई, कोई एक दो आउट ही कर लेते वो कुछ बोल ही लेते, 10 विकेटों से मार डाला। एनीवे गाइस इंडियन ये कहेंगे जी पार्ट ऑफ द गेम था, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड वर्ल्ड कप फाइनल आफ्टर 2 to 3 days। रेडी हो गाइस? ऑलवेज रेडी इंशाल्लाह। ब्लॉग में आप एंड कर दो, मिलता हूं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रख, गांव में याद रखे, और चैनल को सब्सक्राइब मस्त करना है आपने। पाकिस्तान जिंदाबाद।
है।